अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने क्रिएट किया ये मेकअप लुक स्मोकी आईज़ विद काजल, और ये मैंने हेयर स्टाइल भी बनाया था, और ये मेरा फाइनल लुक था। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसका मेकअप ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया है, उसके बाद ऑल लेंसेज वेयर कर लिए हैं, और ये मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, और फिर ये मैंने स्पंज को वेट कर लिया है और उसको स्क्वीज कर लिया ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है निकल जाए। और फिर मैं इसमें ये मैक का बेस लूँगी और इसको मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया आफ्टर मॉइस्चराइजिंग, और मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया, ना प्राइमर ना कुछ, उसको मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया है। बस मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने ऑल ओवर फेस पे, नेक पे, और अच्छी तरह से मैं इसको लगा लेती हूँ ऑल ओवर फेस। और फिर ये मैंने ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, इसको से मैं अपना जो बेस है उसको सेट करूँगी ताकि एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो जाए और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब मैंने यहाँ पे लिया है म्यूजीन का फेस पाउडर, ये मेरे जो बेस है उससे एक टोन जो है डार्क है, थोड़ा सा नेचुरल कलर टाइप है, ताकि जो क्योंकि बेस जो है मेरा लाइटर शेड में है, तो ये जो है मेरे बेस को सेट कर देगा, ज़्यादा मतलब फेस वाइट नहीं लगेगा। और फिर ये मैं कंटूरिंग कर रही हूँ अपने फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए। पहले मैंने चीक्स पे की उसी तरह से कि अपने ईयर के ऊपर से स्टार्ट करते हुए नीचे की साइड पे ब्लेंड करना है चीक्स मिड पार्ट तक, और मैंने अपने जॉ लाइन को कंटूर किया, और अपने फॉरहेड पे कंटूरिंग की, और फिर मैं अब ये नोज़ पे कंटूरिंग कर रही हूँ। ये ब्रश बहुत अच्छा है, कॉस्मी का है, और इससे मैं ब्लेंडिंग करती हूँ, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है नोज़ की या आईज़ पे करें बहुत अच्छा है, ये ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। और फिर मैंने इसको फिंगर्स की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अब ये मेरे पास फाइनल टच की पैलेट है, मैं एक ही यही पैलेट यूज़ करती हूँ। इसमें जो ब्लशेस हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं, और इसके हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है। मैं ये वाला पिंक टाइप का कलर अपने चीक्स पे लगा रही हूँ, इसमें से अच्छे से ब्लेंड करना है। नोज़ पे भी लगाया है और मैंने चिन पे भी लगाया। शुरू में हमारा फेस जो है बिल्कुल एक कैनवास की तरह पूरा होता है, और उसके ऊपर हम लोग जितना अच्छा करते हैं तो अच्छा हमारे फीचर्स उतने अच्छे से एनहेंस होते रहते हैं। और ये मैंने हाइलाइटर भी इसी में से लगा लिया, और अब मैं अपनी आईब्रोज़ को एनहेंस करने के लिए मिस रोज़ का पैलेट लिया है। यह पैलेट बहुत अच्छा है और इसके शेड्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत नेचुरल टाइप की आईब्रोज़ लुक देता है, बहुत ओवर इसका लुक नहीं आता है। तो मैं बस इससे फिलिंग कर लेती हूँ, और ये इस ब्रश से अपनी ब्रोज़ को सेट कर लूँगी। अब ये मैंने लिया क्रिस्टीन का आई बेस है, ये इसको मैंने अपनी आईलेट्स पर लगा लिया है, अपनी पूरी आईलेट पे लगाना है हमने इसको फिंगर से। फिर ये मेरे पास हुदा ब्यूटी की पैलेट है, और इसमें से मैं लूँगी ये ब्राउन शेड, ब्राउन कॉपर टाइप का शेड है ये, और इससे अपनी आईज़ को डिफाइन करूँगी, अपने आईज़ के कॉर्नर्स पे इसको ब्लेंड करूँगी, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही इसको ब्लेंड करना है इस तरह से। मैं ये कॉपर शेड लिया है, मैंने ग्लिटर कॉपर शेड है, इसको मैं अपनी आईलेट पे लगा लूँगी। इस तरह से मैंने दोनों आईलेट्स पे इसको लगा लिया ग्लिटर शेड को फिंगर्स से, और ये ब्लैक कलर है, इसमें कुछ और कलर लग रहा है ये थोड़ा सा, लेकिन ये ब्लैक कलर है, और इसको मैं उसी के साथ मैंने उसको ब्लेंड किया है थोड़ा थोड़ा सा लेकर अपने कॉर्नर्स पे, बस इतना सा लगाना है, इतनी ही पार्ट पे लगाना है, और अच्छे से जो हमने कॉर्नर पे लगाया था कॉपर ब्राउन टाइप का शेड उसके साथ मिक्स कर लेना। और ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर था कि मैंने पैरेट कलर का ड्रेस पहना हुआ है पिस्ता ग्रीन, तो ये जो है डार्क ग्रीन टाइप का कलर था, तो उसको मैंने इस तरह से लगा लिया उसी ब्लैक आई शेडो के साथ स्मज करके। अब मैं ये काजल लगाऊंगी,
अपनी दोनों आईज पे मैं काजल लगा लूँगी। इस तरह से मैंने काजल लिया और लगा लिया, और फिर ये ब्लैक आई शेडो जो है उसको मैं अपनी बिल्कुल लोअर लैश लाइन के साथ ब्लेंड करती जाऊँगी अपने काजल के साथ। और ये इससे जो है स्मच प्रूफ भी काजल होता है, फैलता नहीं है काजल, वैसे भी आई शेडो अगर लगा लें आप। और ये बहुत प्यारा स्मोकी लुक देता है, और आजकल ये ट्रेंडिंग में भी है ये वाला काजल, तो मैंने सोचा ये वाला काजल आज ट्राई करती हूँ। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया था, इस तरह से मैंने कॉर्नर से भी इसको ब्लेंड किया था। अभी मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, क्रायलॉन का वेट जेल लाइनर है ये। मैंने अपना आईलाइनर लगा के कंप्लीट कर लिया है, और फिर मैं अब मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा के दो तीन कोट्स लगाएंगा, मुझे फॉल्स लैशेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं बस इस तरह से जो है डबल ट्रिपल कोट लगा लेती हूँ मस्कारा के, क्योंकि हर वक्त लैशेस लगाना थोड़ा फेक भी लगता है और हर वक्त नहीं लगाई जाती। अब ये मेरे पास क्रिस्टीन के लिपस्टिक है, उसको मैं ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी। पहले आउटलाइन बनाऊंगी अपनी और फिर अंदर फिलिंग कर लूँगी इसी कलर से, इसी लिप कलर से। और ये मैंने लगा लिया है अपने लिपस्टिक, मेरी कंप्लीट हो गई है। अब ये मेरा फाइनल लुक है, मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद फिर मैंने ज्वेलरी वगैरह पहन ली अपनी और मैं रेडी हो गई। हेयर स्टाइल बनाया, हेयर स्टाइल का भी ट्यूटोरियल मैं आपसे शेयर कर दूँगी। ये मेरा फाइनल लुक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।